खड़े हैं चंडीगढ़ के 15 सेक्टर के वेंडिंग जोन में, जहां कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आइए सुनते हैं कि क्या मामला है। हम जब 15 सेक्टर में बैठ रहे, हाँ जी, इतने बोनी बट्टे तो होते नहीं है जी। हाँ जी, हम गर्मी में धूप में बरसातों में मरे, ठीक है जी। यहाँ किराएदार बहुत है, हाँ जी, 5-5, 10-10 हज़ार रुपया किराए भी अड्डे चढ़े हुए हैं, ठीक है जी। ठीक है जी, जब सर्दी पड़ती आ जाती है, जब लोहड़ी होती है, लोहड़ी दबा भाग जाती है। तो किराए पे कौन चढ़ाते हैं अड्डे? जिना के अड्डे है जी। अच्छा ठीक है जी। तो ये 14 अक्टूबर 2024 को क्या वाक्य क्या हुआ था? वाक्य जी, इन्होंने चलान करे, हाँ जी, महिंद्र सिंह 40 का ज्यादा चलान हुआ था। अच्छा, इन्होंने कोई पर्ची कोई माल गिनती का नहीं करा। तो जब उन्होंने नहीं गिनती नहीं की तो उन्होंने कंप्लेंट नहीं की? कंप्लेंट का जो पता नहीं जी, इन्होंने दो बारी नहीं, मतलब बोला नहीं उसको कि पर्ची दो उसकी, बोला इन्होंने दो बारी पर्ची दो, उन्होंने कोई पर्ची नहीं करी दी जी। ठीक है, बीच में शामिल प्रधान सिंह जी, ठीक है। प्रधान कौन? प्रधान अमित समीत सुमित। हाँ, तो उसने नहीं बोला कि पर्ची दो? उन्होंने आपस में मैं महसूस होती रही जी बस। ठीक है सर। तो मेरे सारे वेंडर भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं उनका सहयोगी हूँ, मैं उनके साथ हूँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ मोटिव आपको आपका हक दिलवाना है, इसलिए कोई भी अगर आपको तंग करता है या पैसे मांगता है या झूठा प्रलोभन देता है कि मैं आपको अड्डा दिला दूंगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप उनका वीडियो बनाओ, मुझे भेजो, आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा आपके सहयोग के साथ। धन्यवाद। तो यहाँ अपना गुजारा कर रहा था और ह्यूमन राइट्स ने 3 साल केस चलाया, जिसमें इन्होंने मेरे को लिख के दिया हुआ है कि आपकी फीस केवल 2,000 रुपये मंथली होगी, सीनियर सिटीजन का 25% आपको माफ़ होगा, लेकिन मेरे से ये 5% हर साल बढ़ा दिया जाता है और उस पे 900 रुपये पर मंथ जुर्माना लिया जाता है, जिस कारण से मैं फीस नहीं भर सका। और मैंने इनको लिख कर भी दिया 31/10/23 को कि आपने मेरी साइट है सबलेट की हुई है, बताओ मैं फीस कहाँ से दूँ, लेकिन आज तक भी इन्होंने उस एप्लीकेशन को डील करके मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। इवन यहाँ जो इंस्पेक्टर दीपक कुमार जी आते हैं, सब इंस्पेक्टर दीपक कुमार जी आए और अवैध वेंडरों को चेक ना करते हुए रजिस्टर्ड वेंडरों को चेक किया और मेरा सामान उठाकर लेकर चला गया। मैंने उन्हें बताया भी, वो बोलता नहीं आप इनलीगल हो, लीगल नहीं हो, और सामान का ना तो मेरे को कोई चालान का मैसेज भेजा और वो सामान का मुझे पता नहीं खुद बेच के खा गया या कहाँ गया। तकरीबन लगभग 12,000 रुपये का मेरा सामान वो लेके गया हुआ है, मेरे को कोई मैसेज नहीं है, जिसका कि मैंने आज ही ज्वाइंट कमिश्नर मिसेज ईसा कंबोज को एक व्हाट्सअप किया है कि मेरा दीपक कुमार जी सामान लेके गया, अभी तक मुझे कोई भी उसकी रिप्लाई नहीं मिली है। धन्यवाद सहित मोहिंदर सिंह चालिया। सर, ये कॉर्पोरेशन वाले जो हैं ये आते हैं, ये कई बार बिना माल गिनती के लेके जाते हैं और ज़बरदस्ती लेके आते हैं और इनकी ना माल गिनती करते हैं। और पिछले 1.5 साल पहले की बात है, ना हमें रसीद मिली थी ना हमें कुछ मिला था, ठीक है। हम लेकर कौन गया था माल? लेके सर उस टाइम दीपक सर थे, उस टाइम कोई दूसरे इंस्पेक्टर साहब थे, ना मुझे याद नहीं है, लेकिन 100-150 पीस गए थे बिना गिनती के। अच्छा, जब हम माल लेने गए तो वहाँ पर हमें माल भी नहीं मिला, और मिला भी तो 20-25 पीस मिले थे, और वो भी अपना माल नहीं था, वो भी उन्होंने सड़े गले पीस दिए थे, वो भी बदल के दिए थे। एक तो ये माल गिनती का नहीं लेते हैं और दूसरा था ये माल चले भी जाए इनके बाद हिफाजत नहीं रहता, माल की चोरी होते रहते हैं इनके गोदाम में, हेरा फेरी करते रहते हैं सर ये। हाँ जी, रसीद भी नहीं देते थे, उस टाइम रसीद भी मिलती थी लेकिन उस टाइम रसीद नहीं देती, उस टाइम पर्ची देते बाकायदा करके मिलती थी। अभी 1 साल पहले से ऑनलाइन आने स्टार्ट हुए, वरना ऑनलाइन नहीं आते, रसीद मिलती थी पहले। जो इतने दिनों से मैं भरसक प्रयास कर रहा था, वो मैं ऐसे बुजुर्गों के लिए, ऐसे लोगों के लिए ही प्रयास कर रहा हूँ कि इनको अपना पूरा हक मिल सके। एक्चुअल में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट बनाया है, वो मेरे ऐसे भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए और लोगों के लिए बनाया है जो हैंड टू माउथ है, सुबह से शाम तक एक जगह सामान बेच के अपने और अपने परिवार का गुजारा कर सकें। आज मेरे ये पहला सेक्टर 15 साइट का फर्स्ट विजिट है, ऐसे ही जितने भी वेंडिंग जोन है मैं सब में सर्वे करूंगा और मैं आपके समक्ष ला के रखूँगा भी कहाँ कहाँ पर क्या क्या गलत हो रहा है। इसलिए मैं एक बार फिर अपने इस
रील के जरिए या वीडियो के जरिए उच्च अधिकारियों से निवेदन करना चाहूँगा, हमारी जो माननीय ज्वाइंट कमिश्नर टू हैं उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, मैडम प्लीज़ इन गरीबों के बारे में सोचिए, इनको इनका हक दिलवाइए, धन्यवाद। चलो, ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।